So my security people were very uncomfortable with me walking further on the yatra. So we had to cancel. Well, I had to cancel my walk. The other yatris, of course, did the walk. I think it's important that the police manages the crowd so that we can do the yatra. It's very difficult for me to go against what my security people are recommending. So that's basically what I wanted to say. I'll repeat it in Hindi as well. आज काफी बड़ा reception यात्रा के शुरुआत में हुआ tunnel के बाद. Tunnel के बाद जो police arrangement था वो बिल्कुल collapse कर गया, और जो police वाले crowd को control करते हैं, रस्सियों को manage करते हैं, वो या चले गए या दिखे नहीं. तो मेरी जो सिक्योरिटी डिटेल थी, उन्होंने हमें कहा कि हमें आगे नहीं चलना चाहिए, इसलिए हम नहीं चल पाए. एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि जो क्राउड कंट्रोल होता है, पुलिस का जो रोल होता है, उसको गारंटी करें. मुझे मालूम नहीं क्यों हुआ, बट कल और परसों ऐसा नहीं होना चाहिए. थैंक यू. शुक्रिया राहुल जी, शुक्रिया. आई थिंक हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कब है? नहीं, मेरा वाला परसों है, तो फिर आपके जो सवाल हैं हम परसों जवाब देंगे उनके. थैंक यू. आगे आगे कल, अरे यार देखो, मैंने कहा करेंगे, जारी रहेगी, जारी रहेगी. साथियों, जैसा कि अभी राहुल जी बोलकर गए हैं, आज उनको करीब 16 किलोमीटर चलना था बनिहाल से यहाँ अनंतनाग तक, पर मुश्किल से वो 4 किलोमीटर चल पाए. पर भारत यात्री, 200 भारत यात्री सभी ने आज 16 किलोमीटर पूरा किया. जो हुआ आज बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा, प्लीज थोड़ा चुप हो जाएं. आई कैन नॉट कंटिन्यू इफ देर आर मल्टीपल कॉन्वर्जेशंस. सुन लीजिए भैया, आप लोग एक बार सुन लें प्लीज, शांत हो जाएं. सभी भारत यात्रियों ने पूरा 16 किलोमीटर पूरा किया. आज जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था. अभी अभी राहुल जी की सिक्योरिटी टीम और प्रशासन के बीच में बातचीत चल रही है, ताकि कल ये दोहराया नहीं जाएगा, और परसों भी जो यात्रा है उसमें भी ये परेशानी हमें इसकी सामना करना नहीं पड़ेगी. हम आज कल और परसों कश्मीर में हैं. 29 को 3 बजे राहुल जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है श्रीनगर में, और 30 तारीख को हमारे पीसीसी ऑफिस जो लाल चौक में है वहां तिरंगा फहराएंगे, और 11:30 बजे स्टेडियम में जो 13 पार्टी को निमंत्रण दिया गया है, विपक्ष की पार्टियों को निमंत्रण दिया गया है, लाइक माइंडेड पार्टीज, उनके नेता या नुमाइंदे वहाँ मौजूद होंगे, और करीब 1.5 घंटे के लिए वो समारोह होगा. ये अंतिम समारोह होगा इस भारत जोड़ो यात्रा का. इसके साथ साथ कल 26 जनवरी को कांग्रेस पार्टी संगठन की ओर से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत हुई है सभी राज्यों में, और इस अभियान के माध्यम से राहुल जी का संदेशा, एक पन्ने का संदेशा भारत जोड़ो यात्रा के बारे में, और एक पेज का चार्जशीट
मोदी सरकार के विफलताओं के खिलाफ। वो हमारे कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और घर घर पहुंचाएंगे। ये अभियान कल शुरू हुआ है, 26 मार्च तक चलेगा, पर कुछ ऐसे राज्य हैं जो चुनाव हो रहे हैं वहाँ फरवरी के महीने में, तो हो सकता है कि 3-4 हफ्ते और लगेंगे। पर कुछ भी हो, 26 अप्रैल तक सभी राज्यों में हमारे कार्यकर्ताओं की ओर से राहुल जी का संदेशा भारत जोड़ो यात्रा के बारे में और जो चार्जशीट है मोदी सरकार की विफलताओं के बारे में, वो घर घर तक पहुंचाया जाएगा। ये मैं समझता हूं हमारे संगठन के इतिहास में इतना बड़ा आउटरीच कार्यक्रम, संपर्क कार्यक्रम नहीं चलाया गया है। और ये इसलिए जरूरी पड़ी ताकि हम सभी को भारत जोड़ो यात्रा का संदेशा पहुंचा सकें, क्योंकि ये पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है कश्मीर में। मैं कहना चाहता हूं कि जम्मू और कश्मीर में कई राजनीतिक मसले हैं, कई राजनीतिक मुद्दे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा विचारधारा को लेकर जो आज हमारे लोकतंत्र के सामने, समाज के सामने, देश के सामने खतरे हैं, मोदी सरकार की नीयत और मोदी सरकार की नीतियों के कारण, उसको जनता के बीच पे ले जाने के लिए, हमारे समाज को उजागर करने के लिए निकाला गया है। और मोटे तौर से 3 ऐसे मुद्दे हैं जिससे कांग्रेस पार्टी समझती है और सोचती है और प्रचार करती है कि हमारे समाज और लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा हुआ है। एक तो हमारे समाज में आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, हमारे आर्थिक नीतियों के कारण महंगाई, बेरोजगारी, आप सब देख रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, एक ही उद्योगपति, एक ही पूंजीपति के साथ सारे के सारे उद्योग उनके हाथ में सौंपे जा रहे हैं, उन्हीं को सारे पब्लिक सेक्टर कंपनियां बेची जा रही हैं। तो एक तो आर्थिक विषमताओं के कारण हमारा लोकतंत्र खतरे में है। दूसरी बात, आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा हमेशा विभाजनकारी विचारधारा रही है, सामाजिक ध्रुवीकरण उनकी रणनीति है चुनावी फायदे के लिए, और ये सामाजिक ध्रुवीकरण धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर हमेशा किया जाता है। और सामाजिक ध्रुवीकरण का ये नतीजा है, जैसा कि राहुल जी ने कहा, नफरत फैलता है, सद्भावना को चोट मिलती है और हमारा देश कमजोर हो जाता है। और तीसरा खतरा जो आज देख रहे हैं हमारे लोकतंत्र के सामने, वो है राजनीतिक तानाशाही। आज हमारे देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, एक ही व्यक्ति को की हुकूमत है, पार्लियामेंट को नजरअंदाज किया जा रहा है, पार्लियामेंट में कोई बहस नहीं होती। हमारे जो मिसाल के तौर से जो हमारे सीमा में जो खतरे हैं चीन को लेकर, उस पर 2.5 साल हो गए पर पार्लियामेंट में उस पर कभी बहस का मौका नहीं मिला। संविधान को नजरअंदाज किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाएं कमजोर की जा रही हैं, और एक प्रयास किया जा रहा है हमारे न्यायालय को खत्म करने के लिए। रोज बयान आते रहते हैं कि न्यायालय को भी प्रधानमंत्री कार्यालय का एक अंग बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो सवाल करते हैं कांग्रेस पार्टी से, आप भारत जोड़ो यात्रा पर क्यों निकले हो, क्योंकि भारत को कोई तोड़ नहीं रहा है, हम कह रहे हैं भारत टूट रहा है, खतरे हैं, और अगर हम कार्रवाई अब नहीं करेंगे तो हमारे लिए और भी खतरा पैदा हो जाएगा। इसीलिए आर्थिक विषमताओं के खिलाफ, सामाजिक ध्रुवीकरण के खिलाफ और राजनीतिक तानाशाही के खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं, जनता को उजागर कर रहे हैं, और आरएसएस बीजेपी की विचारधारा को सीधे
विचारधारा के मैदान में हम उसका मुकाबला कर रहे हैं। चुनावी रणनीति से भारत जोड़ो यात्रा का ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। इसका चुनाव पर क्या असर होगा जम्मू और कश्मीर में या अलग राज्यों में, 2024 में क्या असर होगा, यह सब सवाल बाद में सोचा जाएगा, उसका जवाब मिलेगा। पर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हमने इन मुद्दों पर सोचा ही नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, राहुल जी बार बार कहते हैं, कांग्रेस पार्टी बार बार कहती रही है कि हमारे समाज और हमारे देश और हमारे लोकतंत्र के सामने दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं। एक रास्ता है आरएसएस बीजेपी का, और उस रास्ते में एक व्यक्ति एक तंत्र का तोप चला रहे हैं, और दूसरा रास्ता है सद्भावना का रास्ता, कांग्रेस का रास्ता, महात्मा गांधी का रास्ता, राहुल गांधी का रास्ता, जहां लोकतंत्र की शहनाई बजाई रही है। तो एक तरफ लोकतंत्र की शहनाई बज रही है और दूसरे तरफ एक तंत्र का तोप चलाया जा रहा है। यही हमारे देश के सामने दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा की पृष्ठभूमि यह है। आपके मन में कई सवाल होंगे, आर्टिकल 370 का क्या होगा, क्या गुपकार अलायंस का क्या होगा, यह सब राजनीतिक मुद्दे के लिए अलग मौके मिलेंगे। आज हम सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा की सोच रहे हैं, विचारधारा के बारे में सोच रहे हैं, और बार बार जो राहुल जी समाज के हर वर्ग से मिल रहे हैं, किसान, महिला, दलित, पूर्व सैनिक, विस्थापित लोग, सभी से मिल रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी दर्द, उनकी पीड़ा, उनकी समस्याएं, ताकि वो पार्लियामेंट में जब उनको मौका मिलेगा उसको उठा सके। तो यही मुझे कहना है आज के लिए। कल का प्रोग्राम आपके पास है, कल का प्रोग्राम मैं पीसीसी अध्यक्ष से कहूंगा, आपको पूरी जानकारी दे कल के प्रोग्राम के बारे में और परसों के प्रोग्राम के बारे में। उसके बाद जो कोई आपके सवाल हैं उसका जवाब मैं देने के लिए तैयार हूं। हाँ जी, कल और परसों का प्रोग्राम। थैंक यू जयराम जी। कल जो पदयात्रा